क्वारंटाइन में मौत, कोरोना वायरस की स्थिति दिनों दिन मजदूरों के भीतर, आम लोगों के भीतर पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रवासी मजदूरों को लेकर गंभीर चिंता बताई है, उनके रोजगार की। दूसरी तरफ गृह मंत्री के नेतृत्व में एडीजे ने यह जाहिर कर दिया है कि रोजगार नहीं दे पाएंगे। ऐसे हालात में लोग डकैती चोरी कर सकते हैं, थाना को ध्यान रखें। जिस बिहार के मजदूर ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, बिहार को के मान सम्मान को बढ़ाया, अपनों के बीच ही वो बेगाने हो गए। आज ऐसे हालात में जब लगातार पैदल चलने का सिलसिला रुक नहीं रहा हो, भूख और आत्महत्या की संख्या हो, मौत की 100 से ऊपर ट्रेनों में मौत की संख्या हो और 38 से ऊपर क्वारंटाइन सेंटर में मरने की संख्या हो, एक कनमा दाल न मिली हो और मजदूर भटक रहे हो रोजगार के लिए, और जो बेरोजगार यूथ आए हैं वो गंभीर अवसाद के शिकार हो चुके हैं, क्या जवाब देंगे वो लोग जो वर्चुअल रैली के लिए परेशान हैं, जो एक साल पर जश्न मनाए, उनके लिए, इस देश के करोड़ों मजदूरों के लिए क्या जवाब, जिन्होंने मजबूर किया सड़कों पर चलने के लिए, ट्रेन मौत के सौदागर बन गए, 20 लाख करोड़ में 20 रुपया जिनके लिए हिस्से नहीं बने, 12 करोड़ से 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, क्या कहेंगे हम आत्मनिर्भर हो गए, क्या बोलेंगे कि सैनिटाइजर पीपी मास्क में हमने अवसर ढूंढ लिया लूटने का, क्या जवाब देंगे कि 75 दिन के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री घर से नहीं निकले, लोगों की सूद नहीं ली, एक तरफ वर्चुअल दूसरी तरफ डिजिटल, बाहरे बाह, और तीसरी तरफ छोटे मियां बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, 30 सालों के अंदर बिहार की दुर्दशा करने वाले ये चोर चोर मुसेरे भाई, जुल्मी और जल्लाद, जिन लोगों ने बिहारियों को मरने पर मजबूर किया, पैदल चलने पर मजबूर कर मरने पर मजबूर किया, आत्महत्या पर मजबूर किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने मजदूर को बिहार से पलायन करने पर मजबूर किया। वे दोनों लोग जो कोई 56 दिन गायब थे, जो 72 दिन गायब है, जिन्होंने सूद नहीं ली, कोई वर्चुअल रैली करेंगे, कोई मोदी जी के राह पर चलकर थाली पीटेंगे, बारे बाह, जो कभी आवाज न बना हो, जिन्होंने बिहार की दुर्दशा की, दोनों मिलकर एक शहर से भी कम पूरे बिहार में फैक्ट्री हो और आज भी मजबूर हो जाने के लिए, ऐसे लोगों का चरित्र कल दिखेगा। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि एक तरफ कोरोना वायरस और भूख से मौत, लोगों के घर में अनाज नहीं, और दूसरी तरफ अपराधी और माफिया, सत्ता पक्ष और विपक्ष के संरक्षण में लगातार आम लोगों की हत्या, जुबान चुप, और तीसरी तरफ धार्मिक और जातीय उन्माद फैलाने की राजनीतिक गंदी हरकत। इसके बीच जन अधिकार पार्टी बचा लो बिहार मौका है, जो पाप इन लोगों ने 30 साल में किया और 73 दिन में कोरोना वायरस
में दुनिया ने देखी कि किस तरीके से बिजली काटे गए, लोगों को बेघर किया गया बिना सोचे समझे पॉलिसी के बगैर, किराएदारों ने पीट के भगा दिया, 7,000 रुपये अकाउंट में नहीं डले, बेरोजगार छात्रों को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। इन सवालों को लेकर पूरे बिहार के